हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप मस्त होंगे और घर पे स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि आप जान रहे हो, हमने स्टैंडर्ड 10th को शुरू करिए किए काफी दिन हो गए और हमने यहाँ पर 6 लेक्चर्स खत्म किए थे। आज हमारा ये 7वां लेक्चर है। अगर हम प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो उसमें हम लोग ने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस पढ़ा था। हम लोग पहले 2 से 3 मिनट के अंदर उसका रिविजन कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसका बोलते हैं, तो जो भी मॉलिक्यूल के अंदर या जो भी कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, ठीक है, या फिर जो भी रिएक्शन में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और जो भी रिएक्शन में हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है या फिर ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। लेकिन आपको याद है वो बात कि कभी भी कोई भी रिएक्शन सिर्फ ऑक्सीडेशन या सिर्फ रिडक्शन नहीं हो सकती, उसमें दोनों चीजें मौजूद रहती है, यानी कि रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों होता है। और ऐसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या फिर रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों उसको हम लोग, रेडॉक्स रिएक्शन। वो लाल आखला नहीं है, रेड ऑक्स नहीं है, वो रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है बच्चों। तो उसमें ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, ठीक है ना। अब वहां पर उस टॉपिक पे से क्वेश्चन ये आ सकते हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं और लेंथी क्वेश्चन आ सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको पूरी डिटेल पूछ सकते हैं थियरी रिएक्शन एग्जांपल के साथ, लेकिन जब शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 1-1 मार्क के, तो वहां पर क्या पूछ सकते हैं, आपको ये पूछ सकते हैं कि ऑक्सीडाइज्ड कौन सा मॉलिक्यूल हुआ है या फिर रिड्यूस्ड कौन सा मॉलिक्यूल हुआ है। याद रखना, उसमें आपको यही देखना है कौन से मॉलिक्यूल ने ऑक्सीजन को गेन किया या फिर हाइड्रोजन को लूज किया, वही मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, और कौन से मॉलिक्यूल ने हाइड्रोजन को गेन किया या फिर ऑक्सीजन को रिमूव किया, उसका हुआ होता है रिड्यूस्ड, वो हुआ होता है रिड्यूस्ड, ठीक है। और इस पूरी रिएक्शन को जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। बच्चों वेरी गुड, बोलते रहिएगा, साथ में पढ़ते रहिएगा और एक्टिव रहिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए तो आज के इस टॉपिक पे चलते हैं। आज दो ही टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक टेक्स्ट बुक में दिए हैं, वो मैं पढ़ना है। एक है कोरोजन और एक है रैंसिडिट। एक्चुअली ये दोनों जो रिएक्शन है, दे आर द एग्जांपल ऑफ द ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ, यानी कि ये ऐसे एग्जांपल है जिनमें एवरीडे लाइफ में ऑक्सीडेशन हो रहा हो, उसके ये एग्जांपल्स है। तो एवरीडे लाइफ में ऑक्सीडेशन होने की वजह से दो प्रोसेस हो सकती है, पहली हो सकती है कोरोजन और दूसरा हो सकता है रेंसिडिटी, यानी कि कंपाउंड रेंसिड बन जाएगा। चलिए पहले कोरोजन शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैं पहले आपके सामने एक क्वेश्चन फायर करता हूं। क्या आपने कभी यह देखा है कि दिवाली के फेस्टिवल में लोग एक दूसरे को कुछ चांदी की चीजें भी गिफ्ट में देते हैं? वैसे बहुत सारी चीजें गिफ्ट में देते हैं, पर कभी कभार जो अपने नियर रिलेटिव होते हैं या नियर पर्सन होते हैं, तो एक दूसरे को हम चांदी की चीजें गिफ्ट करते हैं। तो वो जो चांदी, खास करके अपने इंडियन ट्रेडिशन के अंदर चांदी के अपने को कटोरिया दी जाती है, चांदी के ग्लासेस दिए जाते हैं, कॉइन्स दिए जाते हैं, चांदी के दिए दिए जाते हैं, करेक्ट। तो कुछ दिनों बाद वो ब्लैकिश कलर के हो जाते हैं, देखा होगा कि नहीं आपने? बिल्कुल बिल्कुल सही, आपने देखा होगा। आपने ये भी देखा होगा आपके पुराने घरों में या फिर पुराने जमाने के घर में तांबे के, कॉपर के वेसल्स आते थे, लेकिन क्योंकि वो एक अपने कुछ टाइम तक रखे रखते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। बच्चों नोटिस किया होगा आपने, करेक्ट या नहीं? आपने ये भी देखा होगा कि आपने कोई भी आयरन की चीज ली है, आयरन मटेरियल से बनी हुई कोई चीज ले ली है, तो वो जो मटेरियल है उसको अगर आप कुछ टाइम के लिए रखोगे तो उसके भी कलर में चेंज आ रहा है। तो ये तीनों तीन एग्जाम्पल में हो क्या रहा है, ये तो क्वेश्चन होना चाहिए ना। नहीं, हम तो अब ये कौन सा क्या हो क्या रहा है, उनमें कलर में चेंज क्यों आ रहा है? तो बच्चों यहां पर रिएक्शन हो रहा है, लेकिन ऐसी कौन सी रिएक्शन है जो वहां पर हो रही है? याद रखना, ये तीनों तीन में कॉमन रिएक्शन है और वो है कोरोजन। क्या है बच्चों? कोरोजन। ये तीनों तीन मेटल के ऊपर कॉमन चीज हो रही है, वो है कोरोजन, और उसी की वजह से वहां पर कलर में चेंज आ रहा है बच्चों, ठीक है। चलिए तो देखते हैं ये कोरोजन क्या होता है। चलो हम लोग एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। आपने देखा होगा, आपने आयरन लिया या आयरन से बनी हुई कोई भी चीज ली, उसको आप थोड़े टाइम के लिए रखते हो तो उसका कलर जो है धीरे धीरे रेडिश ब्राउन होता जाता है। क्यों हो रहा है? तो वहां पर उसका रस्टिंग हो रहा है बच्चों,
उसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। जब हम आयरन को कुछ टाइम के लिए रख देते हैं तो वो रस्ट हो जाता है, उसके कलर में चेंज आने आ जाता है, रेडिश ब्राउन कलर होगा। ठीक है, चलिए तो यहां पर ध्यान दीजिएगा जो मैंने नोट्स लिखी है। ये एक रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो आयरन का एक कॉमन प्रोसेस है। नॉर्मली कोरोजन का मतलब ही क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है? तो डेफिनेशन ये कहता है व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर एसिड एक्सेट्रा इज सेड टू बी कोरोड एंड देयर प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। मान लो आपके पास कोई भी एक मेटल का ये मटेरियल है, ये मेटल का मटेरियल है, और ये मेटल के मटेरियल के ऊपर कोई एसिड ने अटैक किया, रिएक्ट किया, या फिर वाटर ने अटैक किया, रिएक्ट किया, साथ में ऑक्सीजन भी वहां पर अटैक हुआ, तो ये पूरा कोरोड हो जाएगा। ठीक है, और ये प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोजन। क्या बोलेंगे बच्चों? कोरोजन। जब इसका कोरोड होता है तब उसमें कलर में चेंज आता है और उनके छोटे छोटे पार्टिकल्स बन के गिरते हैं। आपने देखा होगा आपके घर की जो जाली होती है लोखंड की बनी हुई, वो बारिश के मौसम में या फिर बहुत पुरानी अगर हो गई है तो आप उसको अगर मारोगे या फिर उसको आप यहाँ वहाँ कुछ थोड़ा सा हिला डुलाओगे तो उनमें से कुछ पार्टिकल गिरेंगे। गिरेंगे कि नहीं? क्यों? वो उसके जो पार्टिकल गिर रहे हैं, वो जो फ्लेक्स गिर रहे हैं, वो आयरन फ्लेक है और वो फ्लेक रस्टिंग की वजह से हो रहा है और वहां पर प्रोसेस हो रहा है कोरोजन। क्या हो रहा है बच्चों? प्रोसेस कोरोजन। और ऐसे ही कोरोजन हम बहुत सारी जगह पर देख रहे हैं। सिल्वर सिल्वर का कलर ब्लैक हो जाता है, कॉपर का कलर ग्रीन हो जाता है, आयरन का कलर हो जाता है रेडिश ब्राउन, और भी बहुत सारे मेटल्स हैं जिनमें सब में कोरोजन हो रहा है। लेकिन सबसे हाईएस्ट कोरोजन अगर किसी का होता हो, यानी कि सबसे फास्ट कोरोजन अगर किसी का होता हो, तो वो हो रहा है सिर्फ और सिर्फ आयरन का। आयरन का सबसे फास्टेस्ट कोरोजन होता है। लेकिन आपने देखा होगा फिर भी आयरन से बनी हुई बहुत सारी चीजें आप देखते हो। तो आयरन से बनी हुई चीजें कहाँ कहाँ आपने देखी? आपने बहुत सारे आप नील्स खिली, हमने आगे देखे थे ना, रिएक्शन टेस्ट ट्यूब में रखा था हमने CuSO4 के साथ। वो जो नील थी वो आयरन की बनी हुई थी बच्चों। और भी जगह पर आपने देखा होगा, कहाँ कहाँ देखा होगा, आयरन के डोर्स बने रहते हैं, आयरन के बड़े बड़े शिप्स रहते हैं, आयरन के ऐसे ही बहुत सारे फ्रेम्स रहते हैं, आयरन के बने हुए बहुत सारे अपने पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स भी रहते हैं। तो आपने देखा होगा इनके ऊपर कुछ कोटिंग किया जाता है, कलर किया जाता है। क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है ताकि वो जो आयरन है उसके ऊपर कोटिंग करने के बाद वो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं आएगा और वो प्रोटेक्ट हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। और क्योंकि वो प्रोटेक्ट हो जाएगा वो बिगड़ेगा नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो मैं समझाता हूँ एक और छोटा सा एग्जाम्पल लेकर। मान लो कि ऐसा हुआ कि आपकी मम्मी ने बढ़िया से गुलाब जामुन बनाया है, तो मम्मी क्या करती है उसको बनाने के बाद? ढक देती है ना, एक जाली वगैरह लगा देती है। क्यों करती है ऐसा? इसलिए करती है ताकि कोई मक्खियाँ वगैरह ऊपर आए नहीं और वो उस खाने को बिगाड़े नहीं। सेम चीज़ जब हम आयरन के ऊपर कोई कोटिंग कर देते हैं तो वो एनवायरमेंट के कॉन्टेक्ट में नहीं आता, तो उसका कोरोजन भी नहीं होता। समझे बच्चों? लेकिन यही कोरोजन की वजह से करोड़ों रुपए का लॉस होता है अलग अलग कंट्रीज का, क्योंकि उन चीजों को, जो भी चीज कोरोजन से बनी हुई है उनको रिप्लेस करना पड़ता है। ठीक है बच्चों? तो ये यहां पर हमारा कोरोजन का टॉपिक कंप्लीट हुआ। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है वो है रेंसिडिटी। चलिए रेंसिडिटी को समझने से पहले हम ये देखते हैं, हम एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं कि आप लोग ने बालाजी वेफर्स खाए होंगे, लेस खाए होंगे, और वो जो उसके पैकेट रहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उनको बहुत फूले हुए पैकेट रहते हैं। अगर हम उसको दबाने की कोशिश करेंगे तो दबेंगे नहीं, और जैसे हम उसको फोड़ते हैं, छोटे बच्चों को वो मजा आता है, तो उसमें से कुछ गैस निकलता है। वो क्या है और ऐसा क्यों होता है? तो चलिए हम समझते हैं क्यों ऐसा किया जाता है। और भी बहुत सारी चीजें आपने देखा होगा, अगर पैकेट फूड देखे होंगे आपने, आपने वेफर्स देखे होंगे, दाल वगैरह आती है, ठीक है, कुरकुरे आते हैं, और बहुत सारी चीजों को पैक किया जाता है। ठीक है, तो ये सब क्यों किया जाता है? आपने ये भी देखा होगा कि जब आपकी मम्मी पिकल्स बनाती है, अचार, ठीक है कि नहीं, अचार बनाती है, तो उसको एक तेल में रख के मस्त बॉटल में टाइट कर बंद करके रखती है, एकदम प्रॉपर टाइट करके, करेक्ट या नहीं? और आपने ये भी देखा होगा कि आपकी मम्मी जहां घेव भरती है तो घेव के अंदर और वो दीवेल डाल देती है कंप्लीट मिलाकर, फिर डब्बों में भरती है।
ये सब क्यों किया जाता है बच्चों? आपको कभी क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ? क्या आपने अपनी मम्मी को पूछा या नहीं पूछा? अगर नहीं पूछा तो आज आपको उसका आंसर मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना। चलिए देखते हैं रैंसिडिटी। अगर हम कोई भी फूड आइटम है जो फैट वाला है और ऑयल वाला है उसको हम रखे रखेंगे लॉन्ग टाइम तक, तो धीरे धीरे उसका टेस्ट बदलेगा, उसमें से खराब स्मेल आएगी, यानी कि उसकी जो फ्रेग्रेंस है वो बदलकर स्मेल यानी कि बास बदबू में हो जाएगी कन्वर्ट, और वो रेंसिड हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? चलिए, इसलिए होता है कि आपने अगर कोई भी फूड को बाहर रख दिया और वो एनवायरमेंट के कांटेक्ट में आता है, सराउंडिंग के कांटेक्ट में आता है, तो सराउंडिंग में यानी कि अपनी एटमोस्फियर में, एनवायरमेंट में ऑक्सीजन है, तो वो ऑक्सीजन उस खाने के फूड आइटम के साथ रिएक्ट होकर उसका ऑक्सीडाइज करता है, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन करेगा, और वो ऑक्सीडेशन होने के बाद वो जो फूड है उनका टेस्ट बदलता है, उसका स्मेल बिगड़ जाता है और वो रेंसिड बन जाता है और फिर वो खाने के लायक नहीं रहता है कि नहीं, ये चीज नोटिस किए ना। तो फिर वो पैकेट में क्या भरा जाता है? तो वो पैकेट के अंदर नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। नाइट्रोजन गैस इसलिए भरा जाता है ताकि वो एनवायरमेंट के ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में ना आए और वो ऑक्सीडाइज ना हो, ठीक है ना। यानी कि ऐसे एंटी ऑक्सीडेंट डाले जाते हैं जो ऑक्सीडेशन नहीं करवाते हैं, जो ऑक्सीडेशन होने से रोकते हैं, उनको हम बोलते हैं एंटी ऑक्सीडेंट। क्या बोलेंगे बच्चों? एंटी ऑक्सीडेंट। कमेंट सेक्शन में लिखिए रे, आप लोग लिखते नहीं हो, मैं नोटिस करता हूं, लिखिए, कुछ ना कुछ लिखते रहिए। क्या होगा वहां पर? वहां पर हम लोग ऑक्सीडाइज ना हो कोई भी फूड का, यानी कि कोई भी फूड का ऑक्सीडेशन ना हो, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं, करेक्ट। यानी कि नाइट्रोजन गैस में भरकर, आई मीन वो पैकेट के अंदर वो वेफर्स डाल के नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, तो उसका ऑक्सीडेशन होगा नहीं क्योंकि ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आएगा नहीं। अब अगर वही पैकेट को आप खोल दोगे तो वो एयर के कॉन्टेक्ट में आएगा जिसमें ऑक्सीजन है और वो उसको ऑक्सीडाइज करेगा। फिर आपने ये भी देखा होगा आपकी मम्मी कुछ फूड को एयर टाइट डिब्बों में बंद करती है प्लास्टिक लगाकर। क्यों करती है? ताकि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में वो न आए, करेक्ट या नहीं। क्या करती है? गेहूं के अंदर दीवेल डालती है ताकि उसके ऊपर ऑयल का जो दीवेल है, कस्टर्ड ऑयल, ठीक है, क्या होगा वो कस्टर्ड ऑयल जो है वो क्या करेगा, उसके ऊपर कोटिंग कर देगा ताकि वो जो फूड आइटम है वो एनवायरमेंट के ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में नहीं आएगा, तो गेहूं बिगड़ेगा नहीं, करेक्ट या नहीं, ठीक है। और भी ऐसे चीजें करती है, जिप लॉक बैग में भरा जाता है और ऐसे बहुत सारे मेथड्स और यूजेस करते हैं जिससे फूड का ऑक्सीडेशन ना हो और लंबे टाइम तक वो फूड प्रोटेक्टेड रहे बच्चों, ठीक है। तो यहां पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अब ये चैप्टर के एंड पर हमें वहां पर इंटेक्स क्वेश्चन दिए हुए जो हम अभी देखेंगे। इंटेक्स क्वेश्चन को शुरू करते हैं, ठीक है। व्हाई डज द कॉपर, पहला इंटेक्स क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। इंटेक्स क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। पेज नंबर कौन सा है यहां पर? तो पेज नंबर है हमारे पास, दैट इज 13। पेज नंबर कौन सा है? 13। उसका पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए उसका आंसर लिखता हूं मैं यहां पर, है ना। जरा ध्यान से देखना, समझ में आएगा, मजा आ रहा है आपको? मजा आ रहा है कि नहीं, तो फिर लिखिएगा कमेंट में, ठीक है। व्हाई डज द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन आयरन नेल इज ड्रॉप्ड इन इट? चलिए, क्यों यहां पर क्वेश्चन पूछा है कि अगर कोई टेस्ट ट्यूब के अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है और अगर हम उसके अंदर आयरन की नेल डालते हैं तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का कलर क्यों चेंज होता है? आपको याद होगा हमने एक्सपेरिमेंट किया था कि उस सॉल्यूशन का कलर होता है ब्लू, तो चेंज क्यों होता है? तो जब हम आयरन की नेल को डालते हैं तो कॉपर वहां से निकलकर आयरन की नेल पर डिपॉजिट होता है और आयरन वहां से निकलकर कॉपर मतलब सल्फेट के साथ कंबाइन होकर फेरस सल्फेट बनाता है, याद है कि नहीं आपको? रिएक्शन कहाँ थी? ये CuSO4 था, आयरन की नेल डाली, क्या करेगा वो? सिंगल डिस्प्लेसमेंट करता है, तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट करने पर कॉपर यहां से टूटेगा, आयरन कॉपर को निकालेगा और वहां पर वो खुद SO4 के साथ कंबाइन होकर FeSO4 यानी कि फेरस सल्फेट बनाएगा। यानी कि यहां पर कलर चेंज क्यों आ रहा है? क्योंकि वहां पर सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो कलर चेंज क्यों आ रहा है? बिकॉज आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट एंड इट इज कॉल्ड सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना, ये उसका आंसर बनेगा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहां पर हमें मिल गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं।
Give an example of the double displacement reaction other than given in the 1.1 activity, 1.10 activity. चलिए आपको double displacement का example बताना है, लेकिन वो activity number 1.1 वाली नहीं होनी चाहिए, 1.10 वाली नहीं होनी चाहिए. तो ऐसे कौन से reaction है वो आप search कर सकते हो, अपने आप try करिएगा. ठीक है, मैं तो सिखाऊंगा ही, बड़ा ट्राई करिएगा. आपको बताना है ऐसी कौन सी डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन है, लेकिन वो टेक्सचुअल वाली नहीं होनी चाहिए. ठीक है, ये आप ढूंढना और होमवर्क में लिख दे रहा आप ये. चलिए मैं ये आपके लिए कर रहा हूँ, यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, ये आपको सॉल्व करना है. ठीक है, इजी है, हो जाएगा आपसे. चलिए नंबर थर्ड एंड द लास्ट इंटेक्स क्वेश्चन है. यहाँ पर क्या पूछा है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन. चलिए मस्त इजी क्वेश्चन है, अभी जो मैंने पढ़ाया वही है. आपको ये रिएक्शंस जो दिए हैं मेरे प्यारे बच्चों, उनमें से आइडेंटिफाई करना है कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है एंड किसका रिड्यूस्ड हुआ है, कौन सा कंपाउंड ऑक्सीडाइज्ड हुआ है और कौन सा कंपाउंड रिड्यूस्ड हुआ है. मैं यहां पर दोनों रिएक्शन लिख देता हूं, फिर हम सॉल्व करते हैं. ठीक है बच्चों, चलिए यहां पर ये CuO है यानी कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के साथ यहां पर उसको रिएक्ट किया हमने, ये सॉलिड फॉर्म में है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिलता है, कॉपर, लेकिन सॉलिड फॉर्म में मिल रहा है एंड वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में है प्यारे बच्चों. ठीक है, चलिए हम देखेंगे कि किसका ऑक्सीडाइज हो रहा है और किनका रिडक्शन हो रहा है. तो देखिए जरा ध्यान से, ये जो सोडियम है मेरे प्यारे बच्चों, वो सोडियम क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को गेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है. अरे हाँ है ना, ऑक्सीजन को गेन कर रहा है कि नहीं कर रहा, करेक्ट. तो क्या होगा, यह ऑक्सीजन को गेन कर रहा है ना वो. ठीक है, तो ये सोडियम क्या कर रहा है, तो सोडियम ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, यानी कि जो भी याद करें डेफिनेशन, जो भी ऑक्सीजन को गेन कर रहा है उसका क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड. तो अगर ये ऑक्सीडाइज्ड है तो उसके अलावा वाला जो मॉलिक्यूल है वो क्या होगा, रिड्यूस्ड. इजी है, यहां पर ये हो जाएगा रिड्यूस्ड, खत्म. कितना इजी है, सोडियम ने ऑक्सीजन को गेन किया तो वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ और ये तो जा रहा है, अगर ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ है तो बाजू वाला रिड्यूस्ड ही हुआ होगा, ये कन्फर्म है, याद रखिएगा. चलिए यहां पर ये CuO है, अब यहां से O जा रहा है इधर, तो ये क्या कर रहा है, O को ले रहा है और यहां पर H2O बनाया कि नहीं बनाया उसने, अब यहां पर O आ गया कि नहीं, तो ये खुद क्या कर रहा है, O को गेन कर रहा है, तो ये हो गया ऑक्सीडाइज्ड. और अगर ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ है तो ये क्या हुआ होगा, रिड्यूस्ड. तो ये हुआ होगा रिड्यूस्ड मेरे प्यारे बच्चों. ठीक है, तो यहां पर हमारा ये इंटेक्स क्वेश्चन खत्म और हमारा ये बेहतरीन चैप्टर खत्म खत्म खत्म. ठीक है, हमारा ऑनलाइन स्टडीज में यहाँ पर पहला चैप्टर खत्म हुआ है, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है. हम कलोल में, पूरे कलोल में यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर लेक्चर शुरू करने वाले हम फर्स्ट थे. ठीक है बच्चों, हम सबसे एडवांस्ड है. ठीक है, हमारे यहाँ पर ये चैप्टर खत्म हुआ है, यहाँ पर कोरोजन, रेंसिडिटी और इंटेक्स क्वेश्चन हमने खत्म किए है. अब आप ध्यान से इसको लिखिएगा, मैंने आज ही व्हाट्सएप ग्रुप में एक वर्कशीट भेजी है, उसको आप संडे तक कंप्लीट करना है और ये एक होमवर्क मैंने आपको दिया है. ठीक है, आप इसके आंसर को फाइंड करिएगा, रिएक्शन को फाइंड करिएगा, बनाइएगा. नहीं आता तो भी मैं तो सिखाने वाला हुई, नेक्स्ट लेक्चर में आपको सिखा दूंगा और मेहनत करिएगा. अगर यूट्यूब के ऊपर लेक्चर चल रहे तो इसका मतलब ये नहीं है चलेगा, होती है चलती नहीं, पूरा लेक्चर देखो, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा लेक्चर देखना है, ध्यान देना है और खास करके कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड से शेयर भी कीजिए और अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर सपोर्ट कीजिए. ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर.